शिवानी को कमरे से एक चीख सुनाई देती है और वो दौड़कर कमरे में जाती है, पर देखती है कि सभी पेशेंट तो सो रहे थे। तो वो चीख किसकी थी? शिवानी मुड़कर वापस बाहर जाने लगती है कि तभी दरवाजे के पीछे से एक हाथ आता है और शिवानी का पांव पकड़ लेता है। कौन है? डॉक्टर शिवानी, ये मैं हूँ, सूजी। और शिवानी दरवाजे के पीछे देखती है तो सूजी वहाँ पीछे बैठी होती है। सिस्टर, आप यहाँ क्या कर रही हो? और शिवानी सूजी को उठाकर टेबल पर बिठा देती है। डॉक्टर, मैं यहाँ बेड नंबर 6 के पेशेंट को देखने आई थी। सूजी बेड पर लेटे पेशेंट को देखने जाती है। मैंने उस पेशेंट से पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है, मगर वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और ना ही दिल और ना ही हिल डुल रहा था। ये देख मैं बहुत घबरा गई और मैंने डॉक्टर को बुलाने की सोची, मगर मैं जैसे ही मुड़ी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ पीछे से किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने मुड़ के देखा तो उस बेड पर कोई भी पेशेंट नहीं था। ये देख मैं डर गई और जैसे ही पलटी सामने वो खड़ी थी और मुझे देखकर हंस रही थी। सिस्टर, कौन थी वो, बताओ मुझे। डॉक्टर, ये वही है जो ये सब कर रही है। वो लौट आई डॉक्टर, अब हम में से किसी को भी नहीं जोड़ेगी, वो मुझे भी मार डालेगी। मुझे मरना नहीं है डॉक्टर। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ये चोट, ये मैं जब उससे बचने के लिए भाग रही थी तब मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई, और फिर मैंने खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। जरूर कोई तुम्हें तंग कर रहा है, मुझे बताओ कौन थी वो औरत जो तुम्हें दिखाई दी? डॉक्टर, पीछे मत देखना, वो ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है, वो तुम्हें सूंघ रही है डॉक्टर। शिवानी डरते हुए मुड़कर देखती है पर उसके पीछे कोई भी नहीं था। और शिवानी सूजी से और कुछ कहती मगर उससे पहले ही सूजी बेहोश हो जाती है और शिवानी उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? जरूर कोई इस अस्पताल को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। और आखिर ये बेड नंबर 6 की क्या कहानी है? मुझे मामले के तह तक जाना होगा। और शिवानी बाहर जाती है तभी शिवानी को मुर्दा घर से एक आदमी निकलता दिखता है। अरे, कौन हो तुम और इस मुर्दा घर में क्या करने गए थे? जरूर ये उसी गैंग का साथी होगा जो इस अस्पताल को बदनाम करने के लिए लाश का दिल गायब कर रहे हैं। आज तो मैं इसे पकड़ कर रहूंगी। और वो आदमी चलता हुआ डॉक्टर राय के केबिन में घुस जाता है। शिवानी भी रॉय के केबिन का दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। सामने आदमी शिवानी की ओर पीट कर कर खड़ा था। शिवानी उसके पास जाकर उसे अपनी ओर मोड़ती है और उसे देखती ही शिवानी की चीख निकल पड़ती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डेविड था जिसकी 2 दिन पहले मौत हो गई थी और उसके सीने की जगह एक बड़ा सा छेद था और उसके एक हाथ में अपना दिल था। डेविड शिवानी की ओर बढ़ने लगता है कि तभी दरवाजा बंद हो जाता है और डेविड अपना ही दिल खाने लगता है। ये देख शिवानी बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद उसे होश आता है। मैं कहाँ हूँ? और शिवानी देखती है कि वो रॉय के केबिन में नहीं बल्कि मुर्दा घर में स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और उसके आसपास ढेर सारी मुर्दे खड़े होकर हंस रहे थे। हेल्प, हेल्प मी, प्लीज मुझे छोड़ दो। शिवानी दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर नहीं खोल पाती। और तभी डेविड और राज की लाशें शिवानी की ओर बढ़ने लगती हैं। शिवानी एकदम हिम्मत हार कर वहीं बैठ जाती है। तुम सही थी माँ, मेरा यहाँ आने का फैसला गलत था, आई एम सॉरी। तभी मुर्दा घर का दरवाजा खुलता है और कोई हाथ पकड़कर शिवानी को बाहर खींच लेता है। शिवानी देखती है तो सामने एक लेडी डॉक्टर खड़ी थी। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए, थैंक यू। इट्स ओके बेटा, पर तुम्हारी जान को क्या हुआ? अगर आप समय पर मुझे बाहर नहीं निकालती तो वो लोग मुझे मार डालते। कौन लोग? यहाँ तो कोई भी नहीं है, भला मुर्दा घर में लोग कब से होने लगे?
और शिवानी देखती है तो सच में मुर्दा घर में कोई भी नहीं था। पर आप कौन है? मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं डॉक्टर शीतल हूँ, कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर थी, आज ही वापस आई हूँ और आती ही मेरी नाइट ड्यूटी लगा दी और फिर मैंने तुम्हारी चीख सुनी। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर शीतल। शीतल, यही नाम ले रहे थे ना डॉक्टर रॉय? शायद ये उनकी खास डॉक्टर होंगी। और शिवानी और शीतल एक साथ ड्यूटी करने लगती हैं। अच्छा डॉक्टर, आप कब से हैं इस हॉस्पिटल में? बेटा मुझे 20 साल हो गए। पर डॉक्टर, आपकी उम्र तो इतनी नहीं लगती है। हाँ डॉक्टर हूँ ना, खुद को मेंटेन करना तो जानती ही हूँ। कितना महफूज महसूस हो रहा है मुझे शीतल के साथ, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा डॉक्टर शीतल, वो सब आपने भी महसूस किया है क्या? वो सब क्या शिवानी? वही सब, पूरी आत्माएं, भूतनी वगैरह। अच्छा वो सब। शिवानी डार्लिंग, हम सब डॉक्टर्स हैं जिनका काम दिन रात मुर्दों के बीच में रहना है। अब उसमें से एक आध मुर्दे जिंदा हो गए तो क्या हुआ? शिवानी भी शीतल की बात पर हंस देती है। शीतल सही कह रही है, जरूर ये सब मेरे दिमाग की थकान की वजह से ही हुआ है। और शीतल शिवानी को बेड नंबर 9 के पेशेंट को एक इंजेक्शन लगाने को देती है। पर डॉक्टर, ये किस चीज का इंजेक्शन है? बस नॉर्मल नींद का। और शिवानी बिना देखे ही उसे वो इंजेक्शन दे देती है और दोनों राउंड पर निकलते हुए बातें करने लगती हैं। डियर सुबह होने वाली है, मेरा कमरा पास ही है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कराऊं। और शीतल वहां से चली जाती है और शिवानी भी रेस्ट रूम में रेस्ट करने चली जाती है। तभी हॉस्पिटल की चहल पहल से उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है तो बाहर डॉक्टर रॉय सब पर चिल्ला रहे थे। मैं पूछता हूँ किसने दिया इंजेक्शन? मेरे दोस्त को। डॉक्टर रॉय, क्या हुआ? कल बेड नंबर 6 पर मेरा दोस्त माइकल सो रहा था और किसी ने उसे गलत इंजेक्शन लगाया है। पर ये कैसे पॉसिबल है? सूजी ने तो बताया था कि बेड नंबर 6 पर तो कोई भी नहीं था कल, और ये इंजेक्शन तो मैंने बेड नंबर 9 के मरीज को लगाया था। शायद मैंने 6 को 9 पढ़ लिया होगा डॉक्टर। क्या ये तुमने किया? ये तुमने क्या किया? हाँ, पर डॉक्टर शीतल ने ही मुझे कहा था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन डॉक्टर शीतल? बकवास नहीं डॉक्टर, आप चाहो तो सूजी से पूछ लो। कल जब रात में ये बेहोश हो गई थी तब पहले इसी ने मुझे बताया था कि वहाँ कोई भी नहीं था। डॉक्टर शिवानी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो कल 6 बजे के बाद घर चली गई थी। सूजी तुम झूठ क्यों बोल रही हो? पर सूजी शिवानी को झूठा ही कहती है। शिवानी तुम पागल हो गई हो, यहाँ कोई शीतल नाम की डॉक्टर नहीं है। पर जो कल रात मेरे साथ थी वो कौन थी? हाँ डॉक्टर, मुझे भी लग रहा है शिवानी मैडम पागल हो गई है। आज सुबह 4 बजे मैंने देखा वो कॉरिडोर में अकेले टहल रही है और हवा से बातें कर रही है। ये सब सुनकर शिवानी के पांव के नीचे से जमीन गायब हो गई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले डॉक्टर रॉय ही मुझसे शीतल के बारे में पूछते हैं और कल सूजी की मैंने मदद की तो वो कहती है कि कल वो यहाँ थी ही नहीं। और रात भर मैं जिस शीतल के साथ महफूज थी, ये लोग कह रहे हैं कि वो शीतल कोई है ही नहीं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कहीं सच में मैं पागल तो नहीं हो रही? और शिवानी वॉशरूम जाती है और अपना मुंह धोने लगती है कि तभी उसे अपने पीछे डॉक्टर शीतल खड़ी नजर आती हैं, जो शिवानी को देखकर हंस रही थी। और अचानक से शीतल का चेहरा जले हुए चेहरे में बदल जाता है। आखिर कौन हो तुम? अब देखिए कहानी का दिलचस्प मोड़, कौन थी वो के अगले भाग में।